तो आपने झूठ और सच पकड़ने वाली मशीन के बारे में तो सुना ही होगा। तो क्या आपने सोचा है कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं और इस मशीन का इन्वेंशन कैलिफोर्निया के एक मेडिकल स्टूडेंट्स लार्सन ने 1921 में किया था, यानी कि 1921 में किया था। और 1924 यानी 1924 से इसका यूज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होता है। इसमें किसी पर्सन को चेयर पे बिठाया जाता है और उसकी बॉडी के कुछ डेफिनेट पार्ट्स पे सेंसर्स लगाए जाते हैं जो कि पॉलीग्राफ से कनेक्टेड होते हैं। और जब कोई भी पर्सन झूठ या सच बोलता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि उसकी ब्रीथ यानी सांस लेना, उसकी दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट और पसीना आदि निकलने लगता है जो कि पॉलीग्राफ के द्वारा नोट कर लिए जाते हैं। उसके बाद पॉलीग्राफ के द्वारा जो भी डाटा हमें मिला है उसका एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले पता थी? और अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।